है एवरी वन शिवम दिस साइड वेलकम बैक टू द चैनल ई कॉमर्स गाइड इंडिया सो इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर सेल करना चाहते हैं इंडिया में एंड जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको फ़ीस भी बताऊँगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए क्या क्या आपको फ़ीस देनी पड़ेगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो मैं इस वीडियो के बीच में मैंशन करता रहूँगा तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज लाता रहता हूँ रिलेटेड टू ऑनलाइन सेलिंग तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले डॉक्यूमेंट से जो कि है आई प्रूफ तो इसमें मैं आपको पांच डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिसमें से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड आधार कार्ड या फिर आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इन पाँचों में से आपके पास एक भी है तो ये आई प्रूफ हो गया आपका जो कि रिक्वायर्ड होगा आपको ऑनलाइन सेल करने के लिए तो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ तो एड्रेस प्रूफ में भी आपको मैं फाइव डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उन फाइव डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट वोटर आई डी कार्ड आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए अगर ऐसा कभी कभी पॉसिबल होता है कि जहाँ आप रह रहे हैं जहाँ आपका घर है या रेजिडेंस है तो आपका वोटर आई या पासपोर्ट में या फिर आधार में आपके वही वाला एड्रेस होता है मैंशन तो आपको करना ये है अगर आपकी बिज़नेस लोकेशन डिफरेंट है तो जहाँ पर वो बिज़नेस लोकेशन है वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होगा भले ही आपके नाम का हो या आपके फैमिली में किसी के नाम का हो या फिर किसी थर्ड uh, पर्सन के नाम पे हो जिसके आप रेंट पे वो ऑफिस uh, प्रेमेसेज आपने लिया हुआ है वो बिज़नेस लोकेशन तो आपको सिंपली ये करना है कि जिसके भी नाम का है अदर देन यू तो आपको वहाँ उससे एन ओ सी एक लिखवा देनी है बेसिकली एक एन ओ सी आपको क्रिएट करनी है लेटर uh, पे एंड उसको एन ओ सी आपको साइन करा लेनी है जिसके नाम पे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस जगह का तो इससे आप वैलिड हो सकते हो ऑनलाइन सेल करने के लिए ये एक एक्सेप्टेबल एड्रेस प्रूफ होगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा हमारा रजिस्टर्ड फर्म का या कंपनी का डॉक्यूमेंट जिसमें आ जाता है हमारा या तो आप बन सकते हैं सोल प्रोप्रेटर या फिर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप या फिर वन पर्सन कंपनी तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप वन पर्सन एक सिंगल ओन सिंगल हैंडेड कर रहे हैं अगर बिजनेस स्टार्ट तो आप सोल प्रोपरेटर की तरह आ सकते हैं सो सोल प्रोपरेटर में आपके ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लगते हैं एक्स्ट्रा आपको बेसिकली सिंपली uh, एक जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है एंड जीएसटी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेड नेम में अपना जो भी आप बिज़नेस का नाम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं बट जो मेन पर्सन होगा जिसका नाम होगा जिसका पैन कार्ड चलेगा वो होंगे आप जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपका मेन नेम होगा और ट्रेड नेम जिस नेम से आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं वो ट्रेड नेम में आ जाएगा तो जब आप जी रजिस्टर करवा रहे होंगे तो आप उसमें मैंशन कर सकते हैं ये चीज़ कि आपको ट्रेड नेम ये वाला रखना है और आपका नाम ये है तो वो डॉक्यूमेंट्स उसमें अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप जी एस टी रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी या फिर आप किसी भी सीए या मतलब बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देगा जब आप जीएसटी रजिस्टर कराने जाएंगे तो एन वाला केस उसमें भी अप्लाई होता है अगर आप किसी रेंटेड प्लेस पर या अपने फादर की लोकेशन पर या कहीं भी अपना बिज़नेस कर रहे हो अपने नाम से तो वहाँ पर भी एन का सेम केस अप्लाई होता है जो कि आपको सी एड्रेस उस टाइम पर बता देगा तो जी में हमारी फ़ीस हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 800 से लेकर 1500 तक कहीं कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट 2000 थाउजेंड तक भी ले लेते हैं इस चीज़ के लिए तो बेसिकली ये फ़ीस होती है अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और जी एस रजिस्ट्रेशन कराना है एंड अगर आपको जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी से भी आप बनवा सकते हैं अगर आपको मेरे थ्रू ये सर्विसेज लेनी है तो मेरे नॉन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूंगा अपनी एंड आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हैं यूट्यूब हाईफिन जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जैसे कि जी एस पैन या जो भी एंड आप नीचे डिटेल में अपना लिख सकते हैं कि आपका नेम और आपका मोबाइल नंबर आपको क्या चाहिए बेसिकली डॉक्यूमेंट तो मैं ये कॉन्टैक्ट आपका सी को फॉरवर्ड कर दूंगा सो डैट ही कैन हेल्प यू आउट इन डैट थिंग राइट सो हमारा अगला डॉक्यूमेंट आ जाता है बैंक अकाउंट सो बैंक अकाउंट में करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी नहीं है बट मोस्टली प्लेटफॉर्म्स में हमारा नेसेसरी है जैसे कि हमारा अगर आपको स्नैपडील में सेल uh, करना है तो स्नैपडील में अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है बिजनेस नेम पे तो आप स्नैपडील uh, पे सेल नहीं कर सकते हो आप अमेजोन uh, पे सेल कर सकते हैं शॉप पे कर सकते हैं मे बी पेटीएम मॉल पे कर सकते हैं आप सेल बट अगर uh, आपको स्नैपडील पे करना है तो आप नहीं कर सकते हैं एंड भी आई थिंक कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली जिसमें आपको शायद करेंट अकाउंट ही मैंडेटरी हो गया है बट स्टिल उसका आई गेस कन्फर्म नहीं है कि वहाँ रिक्वायर्ड है या नहीं है बट मेरे केस में तो आई ऑप्टेड फॉर करेंट अकाउंट तो मेरे को मैंने तो सारी जगह पर करेंट अकाउंट लगाया है तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिस पे आप करेंट अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं तो ना प्राइवेट सेक्टर बैंक के चार्जेस ज़्यादा होते हैं बट फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी देते हैं वो तो वहीं पर आपका गवर्नमेंट uh, बैंक्स पर भी जा सकते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना करा सकते हैं करेंट अकाउंट ओपन इसमें कुछ मेरे ख्याल से मिनिमम बैलेंस रखने का कुछ होता है uh, जो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम बैलेंस तो इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बैंक बैंक uh, से आपको पता चल जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको बेसिकली अपने स्टॉक जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एक दो फोटोग्राफ विद द नेम आपकी बिज़नेस का जो नाम है वो एक पेपर पे या तो आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास स्टॉक ज़्यादा नहीं होगा तो जितने का भी आपके पास स्टॉक है वो सब रख के ऊपर अपने बिज़नेस का फॉर्म का नेम लिख के एंड उसकी एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बेसिकली ये पिक्चर कहीं बैंक्स मांगते हैं प्राइवेट बैंक्स मैंने प्राइवेट बैंक को ऑप्ट किया है तो उन्होंने ये पिक्चर मांगी थी स्टॉक इमेज बेसिकली मांगी थी मुझसे कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं आई मीन कितना स्टॉक है क्योंकि वो थोड़ा वैलिडिटी चेक करते हैं कि आप वैलिड बिजनेस है या नहीं है तुम्हारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ब्रांड नेमे क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए बट इनिशियली मैं कहूँ तो आपके पास ट्रेडमार्क मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आप मोस्टली कैटेगरीज़ पे आप सेल कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग ट्रेडमार्क सो आप फ्लिपकार्ट सेल कर सकते हैं स्नैपडील पर कर सकते हैं एंड शॉप क्लूज़ पर पेटीएम पर इन सब पे कर सकते हैं अमेजोन पर थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो ब्रांड नेम है आपका बिजनेस नेम आ जाएगा जो ट्रेडमार्क आपने करवाया हुआ है एंड अगर आप ट्रेडमार्क नहीं करेंगे तो आपको एक जी टी आई एन एग्जैम्पन लेनी होती है अमेजोन के सेलर सेंट्रल में जाके तो वो एग्जैम्पन बेसिकली कुछ नहीं है आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे पास कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जेनरिक करके एक वर्ड होता है इसको आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हो तो वो अप्लाई कर सकते हो कि इस कैटेगरी में मैं जेनरिक ब्रांड नेम जेनरिक होगा तो मैं जेनरिक नाम से बेच सकता हूँ तो वो अप्रूव कर देंगे तो बेसिकली आपका ब्रांडिंग कोई नहीं होगी वहाँ पे आप बेसिकली बस जेनरिक नाम से आप उसको सेल कर सकते हैं तो इनिशियली तो आप बिना ट्रेडमार्क के भी कर सकते हैं बट फर्दर अगर आपको ट्रेडमार्क करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हैं तो ट्रेडमार्क के लिए भी बेसिकली आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड इसकी फ़ीस लग जाती है करीब एट टू फिफ्टीन के आसपास आराम से फीस लग जाती है अगर कोई भी केस नहीं आता आपके ऊपर क्योंकि उसमें कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है आपको मिनिमम सिक्स मंथ्स तो लग ही जाते हैं ट्रेडमार्क एक्वायर करने में और मैक्सिमम अप तो टू टू इयर्स भी लग सकते हैं आराम से सो ट्रेडमार्क बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आप नया नया सेल कर रहे हैं एंड कुछ ब्रांडेड आइटम सेल नहीं कर रहे हैं ज़्यादा तो आपको ट्रेडमार्क की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आप बिना ट्रेडमार्क के भी कर सकते हैं सो so, हमारा अगला डॉक्यूमेंट है बिज़नेस पैन कार्ड तो बिजनेस पैन कार्ड भी वही चीज़ हो गई सिंपली एक पैन कार्ड जो कि आप इन्हें बिजनेस के नेम पे है तो वो भी आई गेस अगर आप सोल प्रोप्राइटर की तरह स्टार्ट कर ले सिंपली जीएसटी लेके तो वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है अगर आपको फिर भी बिज़नेस पैन कार्ड अगर चाहिए जो आपके बिज़नेस के नेम का हो इंस, इंस्टेड ऑफ आपके नेम पे तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लॉयर सी या फाइनेंशियल एडवाइजर पर तो वो भी आपको आप ई कर सकते हो तो वो भी सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड हो जाती है उसके भी चार्जेस करीब वन टू थ्री हंड्रेड लगते हैं जो कि इंक्लूसिव ऑफ द गवर्नमेंट फ़ीस जी एंड जो आप जिससे सर्विसेज ले रहे हैं उनके चार्जेस तो ये आप डॉक्यूमेंट ये भी कर सकते हैं बट ये मैंडेटरी नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सेल करना है इंडिया में तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं तो मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा उस क्वेरी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर ऐसी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय